उदाहरण सात, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियों तथा 2 मेजों को 1200 रुपये में खरीदा तथा 6 कुर्सियों और 4 मेजों की कीमत 2400 रुपये चुकाई, तब एक कुर्सी व एक मेज की कीमत ज्ञात कीजिए। हल, माना कि एक कुर्सी की कीमत 100 रुपये तथा एक मेज की कीमत 1000 रुपये है, तब तीन कुर्सियों व 2 मेजों की कीमत 3 कुर्सी, एक कुर्सी कीमत x है तो 3 कुर्सियों की कीमत 3x रुपए होंगी व 2 मेजों की कीमत के लिए हम 2y को जोड़ देंगे 3x में, तो इस तरह से 3 कुर्सियों व 2 मेजों की कीमत 3x धन 2y होगा। प्रश्न अनुसार तीन एक्स धन 2y की कीमत 1200 रुपये है। यह हमारा पहला समीकरण बना, 3x धन 2y बराबर 1200 रुपये, समीकरण एक। इसी प्रकार 6 कुर्सियों की कीमत 6x होंगी व 4 मेजों की कीमत के लिए हम 4y जोड़ देंगे, 6x धन 4y बराबर 2400। इसमें बाएं पक्ष में कहीं हम इसका दोनों पदों में 2 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं तो हमारे पास पहले पद में 3x कोष्ठक के अंदर बचेगा धन 2y बराबर 2400 या 3x धन 2y बराबर 2400 बटा 2 को अपन पक्षांतर करके भाग में ले आए तो 3x धन 2y बराबर 1200। ये हमारा दूसरा समीकरण है, इसे हम दूसरा समीकरण नाम दे देंगे। दोनों समीकरण एक जैसे हैं, यदि इन समीकरणों का ग्राफी निरूपण किया जाए तो संपाती रेखाएं प्राप्त होती है। समीकरण एक और दो दोनों में ही यदि x बराबर 100 रखते हैं तब y बराबर 1200 ऋण 3x बटा 2 बराबर 1200 ऋण 100 का मान यहाँ x पे रखेंगे
तो 3 × 100 = 300 / 2 = 1200 में से 300 घटाने पर 900 प्राप्त हुआ / 2 = 400 900 / 2 = 450। उसी तरह से यदि x का मान हम 200 रखते हैं तब y का मान होगा 1200 × 3 × x/2 में 1200 × 200 x के स्थान पर रखेंगे तो 3 × 200 = 600 / 2 = 600 / 2 = 300। इस प्रकार x के मानों के संगत y के और मान प्राप्त करते हैं और इन मानों को इस प्रकार सारणी के रूप में लिखते हैं। x का मान जब हमने 100 रखा तो y का मान हमें 450 प्राप्त हुआ। जब हमने x का मान 200 रखा तो हमें y का मान 300 प्राप्त हुआ। उसी तरह से x का मान 300 रखने पर y 150 प्राप्त होगा, x का मान 400 रखने पर y का मान 0 होगा, x का मान 500 रखने पर हमें y का मान -150 प्राप्त होगा और उसी तरह से x का मान जब हम 600 रखेंगे तो y का मान -300 प्राप्त होगा। यह सारणी दोनों समीकरणों के लिए है, अतः इस समीकरण से आलेख खींचने पर प्राप्त दोनों रेखाएं संपाती होंगी। स्पष्टतः x व y के जो मान दोनों समीकरणों में हैं उन मानों को समीकरण निकाय के हल कहेंगे। चूंकि x व y के अनंत मान हैं अतः दिए गए समीकरण निकाय के हल भी अनंततः अनेक होंगे। इन समीकरणों में x व y कुर्सियां व मेज की कीमत को दर्शाते हैं, अतः कुर्सियां व मेज की कीमतों के लिए यह बात लागू होंगी कि उनकी अनेक संभावित कीमतें हो सकती है। तो यह इस प्रश्न का हल होगा।